हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के इकलौते शहर की जहां पर दो बंदरगाह मौजूद हैं। एक ऐसा शहर जहां पूरे एशिया महाद्वीप का इकलौता सबमरीन म्यूजियम मौजूद है। इसी के साथ ये पहला ऐसा शहर है जहां भारत का पहला नेवल बेस बना हुआ है, और यही भारत का वो शहर है जहां भारत ने खुद से अपने न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत को बनाया था। हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन और भारत को बतौर फिजिसिस्ट नोबल पुरस्कार दिलवाने वाले सर सीवी रमन भी इसी शहर के रहने वाले थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाइजैग यानी विशाखापट्टनम की। इसे विजाग, विजागपट्टनम और वोल्टेयर जैसे कई नामों से जाना जाता है। ये आंध्र प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर और जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। ये शहर पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य में आता है। 2016 के आंकड़ों के अनुसार विशाखापट्टनम 43.5 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ भारत की कुल जीडीपी में 9वें नंबर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। ये शहर समुद्र तल से 45 मीटर की ऊंचाई पर 681 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर फैला हुआ है। इस शहर की सड़कों पर AP 31, 32, 33, 34 और 39 वाली नंबर प्लेट वाले वाहन दौड़ते मिलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार इस शहर में करीब 17,28,000 लोग प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। अधिक जनसंख्या और शहरी क्षेत्र होने के कारण यहां का जनसंख्या घनत्व लगभग 2500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस शहर का महिला पुरुष अनुपात 1000 पुरुषों पर 978 महिलाएं हैं, और यहां का लिटरेसी रेट लगभग 82% है। ये शहर दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोविंग सिटीज की लिस्ट में 122वें पायदान पर आता है। इस शहर की 44% आबादी स्लम्स में रहती है। पुराना शहर होने की वजह से यहाँ ज्यादातर लोग अनप्लान्ड तरीके से घर बनाकर रहते हैं। इस शहर के 92% लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं। हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या सिर्फ 2% है, जिनमें ज्यादातर उत्तरी भारत के हिस्सों से आए माइग्रेंट वर्कर्स हैं। विशाखापट्टनम का इतिहास 2600 साल पुराना है। ये इलाका महाभारत काल में कलिंग साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। पोर्ट सिटी होने के कारण इसका इस्तेमाल मिडिल ईस्ट और रोमन साम्राज्य से व्यापार के लिए किया जाता था। आज के समय भारतीय नौसेना का ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में ही मौजूद है, और व्यापारिक दृष्टि से आज भी इस शहर का महत्वपूर्ण योगदान है। विजाग पोर्ट भारत का 5वां सबसे बिजिएस्ट कार्गो पोर्ट है। ये शहर एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। इस शहर को अपने सुंदर बीच और आसपास के लुभावने नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है, जिस वजह से इसको सिटी ऑफ डेस्टिनी और ज्वेल ऑफ ईस्ट कोस्ट का तमगा हासिल है। 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहरों की लिस्ट में ये शहर भारत का 9वां सबसे सुंदर शहर है। विशाखापट्टनम के आसपास कैलाशगिरी हिल्स, सिम्हाचलम हिल्स, यारदा हिल्स जैसी सुंदर पहाड़ियां मौजूद हैं। अगर आपको विशाखापट्टनम घूमने जाना हो तो आप रेल, सड़क और हवाई मार्ग तीनों माध्यमों से आसानी से यहां तक पहुंच सकते हैं। विशाखापट्टनम देश के बड़े बड़े नगरों से रेल और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो टूरिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद टूरिस्तान।